नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से, श्वास से संबंधित बीमारियों से कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, मौसम बदलने जा रहा है और इस मौसम में लगभग हर घर में बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर के पास लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ऐसे में आप क्या करें और क्या ना करें ताकि आप बीमारी से बच सकें, आप बीमार ना हों, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल वातावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग मास्क लगाकर घूमते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं। वातावरण में तमाम तरह के विषैले गैस मौजूद हैं जिसके कारण इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से खांसी, जुकाम, आँखों में जलन, फेफड़े में इन्फेक्शन, सांस की बीमारी, त्वचा संबंधित परेशानियां, हृदय रोग भी हो जाता है, बाल झड़ते हैं, कुछ लोगों के बाल समय से पहले पक जाते हैं, कई तरह के बीमारी नए नए आ रहे हैं। और अगर आप इन सारे बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए और इसमें जैसा बताया गया है अगर आपने वैसा किया तो निसंदेह आप इन बीमारियों से बच जाएंगे, ये बीमारी आपके घर के आसपास से भी नहीं गुजरेगी। इसके साथ ही हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसके ऑल ऑप्शन को ज़रूर दबा दें ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो डालें तो आप उसे देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? अदरक, लहसुन, तुलसी, नीम, काली मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाता है। हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आप इन चीज़ों के इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सर्दी, खांसी, जुकाम सहित वायु प्रदूषण से होने वाले अन्य श्वास संबंधित बीमारियों से बचने के लिए अदरक काफ़ी लाभदायक माना जाता है। दिन में दो बार अदरक की चाय पीने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपके श्वास में अटके हुए, श्वास की नलियों में अटके हुए जो प्रदूषित चीज़ें हैं वो निकल जाता है। आपके सर्दी, जुकाम, बुखार इनमें भी आपको राहत मिलता है। अदरक में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की भी शक्ति होती है और यह आपके श्वास से जुड़े समस्याओं में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा गले में खराश महसूस हो रही हो तो अदरक का काढ़ा बनाकर पिएं। काढ़ा आप कैसे बनाएं? एक गिलास पानी ले लें, उसमें अदरक के एक टुकड़े को काट के और उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते, काली मिर्च मिला के और उबाल लें। तब तक उबालें जब तक आपका पानी आधा गिलास ना रह जाए। जब आपका पानी आधा गिलास हो जाए उसे निकाल के और उस काढ़े को अगर आप पीते हैं तो आपके गले का खराश, सांस संबंधित बीमारी दूर हो जाता है। अगर आपको पुरानी खांसी है, काली खांसी है और ख़त्म नहीं हो रहा है, साइनस जैसी बीमारी है, तो आप क्या करें, आधा चम्मच हल्दी, कच्चा हल्दी का पाउडर या पेस्ट बना लें, उसमें 3-4 काली मिर्च पीस के डाल दें और 1 चम्मच शहद भी मिला दें। इन सबको 1 गिलास गुनगुना पानी में डालकर और सुबह खाली पेट पी लें। ऐसा करने से कितना भी पुराने से पुराने खांसी हो, काला जर हो, ये सारे ठीक हो जाते हैं। साइनस जो कहते हैं कि साइनस का कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराना होता है, साइनस भी इसके सेवन से ठीक हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको कच्ची हल्दी मार्केट से ढूंढ के लाना पड़ेगा। बाज़ार में जो पाउडर वाला हल्दी होता है उसके सेवन से इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, तुलसी भी श्वास और खांसी, सर्दी, जुकाम में काफ़ी लाभप्रद होता है। तुलसी को पीस के उसका रस निकाल लें और दिन में दो बार उसे 1 गिलास पानी में मिलाकर अगर पीते हैं तो आपके सांस के नली के अंदर जो भी श्वसन तंत्र हैं, कुछ एक्सटर्नल फंगस फंस जाता है, वो सारे निकल जाते हैं। तुलसी में भी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का ताकत होता है। आप चाहें तो 3 पीपली होता है जो कि काली मिर्च जैसा ही होता है, थोड़ा लंबा होता है, 3 पीपली को शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं।
इसके सेवन से भी श्वास संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो ये पिपली है इसे बच्चों को नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा आप एक मुट्ठी नीम के पत्तियों को एक पतीले में पानी में उबाल लें और उस उबाले हुए पानी से अगर आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो आपके त्वचा में जमे हुए प्रदूषण को ये हटाता है और आपके त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आप इस विधि को सप्ताह में दो बार करें। ऐसे आप दो बार अगर नहाएंगे नीम के पत्ते वाले पानी से, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप चाहें तो नीम की पत्तियां खा भी सकते हैं, इससे आपके शरीर के अंदर जो प्रदूषित चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाता है। दोस्तों, कहते हैं मालिश कराना भी आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके लिए सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल से आप फुल बॉडी मसाज अगर अपने आप को करवाते हैं, तो ये आपके शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को स्वस्थ बनाता है। सर्दियों में सरसों ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हैं। गर्मियों में आपको नारियल तेल से मसाज करना चाहिए, इससे रक्त में जमा हुआ टॉक्सिक बाहर निकल जाता है और रक्त संचार बेहतर होता है, जिस कारण शरीर में ऑक्सीजन की भी आपूर्ति ठीक से होती है। और जब आपके शरीर के पूरे नसों में ऑक्सीजन ठीक से चलता है, तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, बालों को प्रदूषण से बचाने के लिए संभव हो तो बाहर जाते वक्त बाल को ढक के रखना चाहिए। नहाने से एक घंटा पहले अपने बालों में आप कोई ना कोई तेल लगा के मसाज करें। उसके बाद चाहे आप शैम्पू से नहाएं या किसी भी प्रकार नहाएं, साबुन से नहाएं, तो इससे आपके बाल के अंदर जो पोल्यूशन का डस्ट होता है, फंगस होता है, वो निकल आता है और उससे बाल झड़ने कम होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको साल में एक बार अपने बालों का भद्रण जरूर कराना चाहिए। इसके लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि जो श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है, उसमें सभी लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं और उसमें लोग बाल भी पुराने ज़माने में एक बार साल में ज़रूर भद्रण कराते थे, बाल गंजा कराते थे। उससे उनके बाल फिर से निकलता है और बाल स्वस्थ होकर निकलता है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है, बालों में जो डैंड्रफ रूसी की समस्या होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए आपको साल में एक बार भद्रण जरूर कराना चाहिए। दोस्तों, फेफड़ों को साफ करने के लिए गुड़ बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। इसमें मौजूद आयरन हमारी धमनियों को साफ करता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज होती है, श्वास संबंधी दिक्कत भी कम हो जाता है। इसलिए रोज़ाना 5 से 10 ग्राम गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड शुगर डायबिटीज़ की परेशानी हो, वो भी इसे 5 ग्राम खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ खाने से डायबिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहें तो रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, रात को सोते समय अगर आप त्रिफला का सेवन करते हैं, तो ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और यह पाचन तंत्र को भी सुचारू करने में मदद करता है। 1 चम्मच त्रिफला और शहद गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर ले सकते हैं। यह शहद के साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। त्रिफला हमारे शरीर के 3 दोषों को, जैसे वात, पित्त और कफ को सम करता है, प्रकृति में बनाए रखता है। और अगर आपके वात, पित्त और कफ सम रहे, तो आपके अंदर कोई भी बीमारी आने की संभावना नहीं रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, इन नुस्खों के इस्तेमाल से आप अपने आप को सर्दी, जुकाम, श्वास संबंधित बीमारियों से बचाकर रख सकते हैं और आपके आसपास कभी भी कोई भी बीमारी भूल के भी नहीं आएंगे। इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि जब कभी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे और आप उसे देखकर इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।